श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के जितना ही निकट जो होते हैं, कोई भी संत हो, भक्त हो, प्रभु के प्रेमी हो, उतना ही प्रभु के दिव्य गुणों वो अपने अंदर वो अपने आप उतार लेते हैं। और जो भगवान से जितना ही दूर होता है, उतना ही उसके अंदर प्राकृत गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, दैवी गुणों का अभाव होता है। किंतु भगवान से जो प्रेम से जुड़े हैं, जो सच्चे संत हैं, भक्त हैं, उनके अंदर दैवी गुण, ईश्वरीय गुण, आध्यात्मिक गुण बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक उसके आध्यात्मिक गुण हो जाते हैं उस महापुरुष के, कि उनको सहज कोई विश्वास नहीं कर सकता है। सामान्य दृष्टि से देखने वाला कहेगा कि ये तो बहुत वृद्ध हैं और शरीर इनका अब छूटने वाला है, असमर्थ हैं, ऐसा बोल सकता व्यक्ति। लेकिन महाराज, ऐसी अवस्था में भी वे संत लोग, आपको आश्चर्य होगा, सर्वव्यापक होते हैं। देखने के लिए शरीर कहीं है और उनकी चेतना, उनकी आध्यात्मिक शक्ति कहीं बहुत दूर तक पहुंची होती है, अथवा यूँ कह लीजिए कि उनके स्वरूप से ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं कि भगवान अपनी कृपा को उनका रूप धारण करा के कृपा करते हैं। कल आप सुन रहे थे कि महान संत श्री गया प्रसाद जी शरीर छोड़ने के 17 साल पहले अपने आखिरी टाइम की तैयारी कैसे कैसे की जाएगी, ये अपने प्यारे सेवकों को बता रहे थे। और उन बातों को सुन करके जो सबसे कम उम्र का सेवक था कृष्णदास, वो बहुत घबराया, बहुत रोया। तो महाराज जी ने उसको ढाढ़स बनाया, कहा रो मत, खेलो, जाओ। अरे तुम एक एक सद्गुण अपने अंदर भरते जाओ, मेरे सद्गुण वो ठाकुर जी की कृपा से हैं। बड़ा वात्सल्य भाव दिखलाया महाराज जी ने, उनका दुख दूर कर दिया। अब मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ऐसे महापुरुषों की आध्यात्मिक शक्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है, व्याप्त हो जाती शक्ति। देखने में शरीर ऐसा है कि लोग गोद में उठा के ले जाएं इधर से उधर, लेकिन महाराज सर्वव्यापकता उनकी थी। एक घटना ऐसी घटी जिससे लोगों को मानना पड़ा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। राजस्थान के एक गंगा जी के भक्त अपनी युवावस्था से ही प्रतिवर्ष श्री गंगा मैया से पैदल जा कर के कांवर में गंगा जल लेकर के आते थे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने परमाराध्य भगवान श्री शंकर जी पर वो जल चढ़ाते थे। अब आप सोचिए, गंगा जी से जाकर राजस्थान का आदमी पैदल गया गंगा जी राजस्थान से, और पैदल गंगा जल की कांवर लेकर आया, शिव जी को चढ़ाया, हर रक्षाबंधन को आप पूरे उम्र जब तक शरीर मजबूत था करते रहे। अब वो वृद्ध हो गए थे गंगा जी के भक्त, इसलिए प्रतिवर्ष अब नहीं ला पाते थे। वृद्धावस्था के कारण घर की सारी व्यवस्था पुत्रों के हाथ में सौंपती थी, इसी कारण से अब उनके पास पैसे नहीं रहते थे भक्तों, यहाँ तक कि जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, कुछ भी पैसा नहीं रहता था उनके पास। और वो वृद्धावस्था में उनको ऐसा मन में आया कि अब शरीर तो कमज़ोर होता ही जा रहा है वृद्धावस्था के कारण, तो सावन का महीना लग गया है,
एक बार और कांवर लाऊं, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊं। तो महाराज वो गंगा जी जाने के लिए तैयार हुए मन से। तो मन में यही था कि आशुतोष प्रभु को, शिव जी को जल चढ़ा के अभिषेक करूं, तो मेरे मन को बहुत आनंद आएगा, प्रभु प्रसन्न होंगे। इसी विचार से पुत्रों से कुछ जेब खर्च मांगा, तो सभी पुत्रों ने इनकी वृद्धावस्था को देखकर एक स्वर से मना कर दिया, नहीं नहीं बुढ़ापे में ये सब नहीं करो, पैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आप सोचिए भक्तों, एक टाइम होता है कि वही वृद्ध जब युवक था तो अपने बच्चों को पालता था, पैसा कमा कर देता था, आज बच्चे उसको देने को मना कर रहे हैं। तब ऐसे व्यक्ति से जेब खर्च मांगा उन्होंने, जीवन भर जिससे शत्रुता चली आ रही थी, जिससे मित्रता का कोई भाव ही नहीं था, लेकिन वो आदमी कितना भला था कि उस भले आदमी ने गंगा जी का भक्त जान करके बिना किसी तर्क कुतर्क के प्रसन्न होकर महाराज जी इन गंगा जी के भक्त को कुछ खर्चा दे दिया, कुछ जेब खर्च दे दिया। तब आनंदित होकर के वृद्ध व्यक्ति गंगा जी के लिए चल दिए। और महाराज गंगा जी पहुंच करके स्नान किए जब, और कांवर में गंगा जल रख करके उठाने को तैयार हुए, तभी एक बहुत वृद्ध संत उनके सम्मुख आकर उपस्थित हो गए और उस गंगा भक्त से बोले कि तुमने यहाँ साधु ब्राह्मण की, गरीबों की, दुखियों की, भक्तों की, संतों की, किसी की सेवा तो की नहीं, और अब जाने को तैयार हो गए। तो महाराज ये भोले भाले जो गंगा जी के भक्त थे, ये भी वृद्ध हो रहे थे, शरीर में जान नहीं थी लेकिन हिम्मत बहुत थी। वो बोले हाथ जोड़ करके उन वृद्ध संत से कि बाबा मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, अभी मुझे गांव भी पहुंचना है, राजस्थान से आया हूँ, बहुत दूर जाना है। तब वो वृद्ध संत बोले जो उनको दर्शन दिए थे अचानक, अब आप बहुत सावधानी से सुनिए, कितनी गंभीर और रहस्य की बात सुना रहा हूँ मैं। तो वृद्ध संत बोले कि तुम जो भी पैसे तुम्हारे पास हैं, उन्हीं पैसों से ही कुछ संतों की सेवा भोजन करा के कर दो, संत सेवा करो, भोजन कराओ उनको, जितना तुम्हारे पास है उसी से कर दो, बाकी सारा प्रबंध मैं कर दूंगा। अब भक्तों संत के आदेशानुसार उस गरीब गंगा भक्त ने उन्हीं पैसों से साधुओं को, संतों को, कुछ भक्त ब्राह्मणों को भी भोजन करा दिया। तब संत ने इसको अपने पास से कुछ रुपए मार्ग व्यय के लिए दिया, जो संत ने दर्शन दिया तो उन्होंने कुछ पैसे भी दिए उनको मार्ग व्यय के लिए, और कांवर उठवा करके उनके कंधे पर रखवाई और बोले कि मैं गोवर्धन में दान घाटी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहता हूँ। हाँ सावधानी से सुनिए आप, ये कौन बोल रहे हैं, जब जो गंगा भक्त को वृद्ध संत ने वहाँ दर्शन दिया गंगा जी किनारे, वो बोल रहे हैं कांवर उठवाने के बाद, मार्ग में देने के बाद बोले मैं श्री गोवर्धन जी में दान घाटी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहता हूँ, अब की बार ये गंगा जल तुम वहीं चढ़ा देना जहाँ मैं रहता हूँ। तो संत के आदेशानुसार ये गंगा भक्त कांवर लेकर के श्री गोवर्धन जी की ओर चल दिए। भक्तों ये सपने की बात नहीं थी, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ था उनको। और उधर महाराज इसके गांव जा करके उन्हीं संत जी ने जो दर्शन दिए थे, उन्होंने ही इस गंगा भक्त के पुत्रों को स्वप्न का आदेश किया कि तुम अपने पिताजी से मथुरा से गोवर्धन के बीच में जा करके मिलो। अब आपको मैं रहस्य बता ही दे रहा हूँ,
कि महाराज स्वयं गया प्रसाद जी ने उनको दर्शन दिया था वहाँ गंगा जी किनारे, जबकि गया प्रसाद जी महाराज बहुत वृद्ध थे और गोवर्धन जी से कहीं जाते नहीं थे, गोवर्धन जी में ही थे भक्तों के बीच में, और वहाँ गंगा किनारे उस गंगा भक्त को दर्शन दे रहे हैं राजस्थानी को, और यहाँ उनके परिवार में आकर बता रहे हैं उनके बच्चों से कि तुम्हारे पिताजी जल लेकर के आ रहे हैं, मथुरा गोवर्धन के बीच में हैं, तुम जाओ कांवर लेकर आ रहे हैं। और प्रातः होते ही इस गंगा भक्त का एक पुत्र गोवर्धन से मथुरा के बीच जा कर के मिला और कांवर की सेवा संभाल करके गोवर्धन मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी में आ पहुँचे, जहाँ दान घाटी है भक्तों, परिक्रमा में आप दर्शन किए होंगे, तो वहीं दान घाटी के पास में थाने के बगल में लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ एक बेटा इनका आ गया। और महाराज ये जो गंगा भक्त थे वो भी आ गए और मंदिर में आकर के उसने लोगों की उपस्थिति जब देखी तो पूछा, सहज ही पूछा उस वृद्ध गंगा भक्त ने कि कांवर कहाँ चढ़ेगी। उत्तर में लोगों ने कहा कि चकलेश्वर महादेव कांवर चढ़ती है, जाओ वहाँ। लेकिन वो गंगा जी का भक्त जो था वो बोला कि मुझे तो बाबा ने अपने इसी मंदिर का पता दे करके बताया कि कांवर लक्ष्मी नारायण मंदिर में लेकर के आना, वहीं चढ़ाना, और कांवर उठवा के साधु ब्राह्मणों की सेवा भी करवाई, मुझे मार्ग व्यय भी दिया उन्होंने, दक्षिणा मुझे दी कि तुम्हारे रास्ते के खर्चा के लिए मैं दे रहा हूँ। और वो संत जी जो यहाँ से गए थे आप उनसे मुझे मिला दीजिए, जो कोई संत यहाँ रहते हैं उनसे मिला दीजिए, वही मुझे मिले थे वहाँ, मैं उन्हीं से पूछ लूँगा कि कांवर कहाँ चढ़ानी। तो लोगों ने दूर से ही महाराज श्री गया प्रसाद जी का दर्शन दूर से कराया, उनकी कुटिया का दर्शन इशारा किया कि वो कुटिया है, बाबा हैं उसमें, और संकेत पा करके वो गंगा भक्त महाराज जी को कुटिया के सम्मुख आकर के खड़ा हुआ और जोर जोर से उच्च स्वर में बोल बोल कर कहने लगा, बाबा बाबा कांवर कहाँ चढ़ेगी, जहाँ चढ़वानी हो आप बताओ, वहाँ आप चढ़वा लो कांवर। तो उस समय श्री गया प्रसाद जी की सेवा में कृष्णदास थे और उसको जोर जोर से चिल्लाता हुआ देख करके कुटिया के बाहर आकर उससे प्रार्थना की कि भैया यहाँ कांवर चढ़ाने का स्थान नहीं है, तुम हल्ला मत करो, हमारे बाबा अपनी लीला में डूबे हैं, तुम अपनी कांवर लेकर के कहीं शिव मंदिर में जाओ वहाँ चढ़ाओ। और कृष्णदास की बात सुन करके उस गंगा भक्त ने महाराज जो गया प्रसाद जी के बेटे थे मानस जी उनके पास जा करके अपने साथ बीता हुआ सारा वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया, जैसे जैसे गंगा जी के किनारे श्री गया प्रसाद जी ने दर्शन दिया था उसको, थे गोवर्धन में दर्शन दिया गंगा जी किनारे उस गंगा भक्त को, राजस्थानी भक्त को, तो वो सारी कथा उसने सुनाया मानस जी को, श्री गया प्रसाद जी के पुत्र को, और उसकी बात सुन करके श्री मानस जी जो भागवत के और रामायण के वक्ता थे वो उस व्यक्ति को ले करके आए महाराज जी के पास कुटिया में और बोले कि देखो क्या यही बाबा थे गंगा जी किनारे जो मिले थे। महाराज जब उस व्यक्ति ने गंगा जी का जो भक्त था वो देखा गया प्रसाद जी को तो प्रेम से उछल पड़ा, वो तो हाँ हाँ यही थे यही थे, और प्रसन्नता के कारण बहुत उल्लास से बोला हाँ यही तो थे बाबा, यही थे, यही मिले थे हमको गंगा जी किनारे। और भाव विभोर था वो तो, और बोला इनकी आज्ञा अनुसार ही गंगा जल चढ़ाऊंगा, इन्होंने मुझे दक्षिणा दी, मुझसे सत्कर्म कराया, संतों की सेवा करवाए, बहुत अच्छे महान हैं,
ये जहाँ बताएंगे वहीं मैं गंगा जल चढ़ाऊँगा, ऐसा वो बोलने लगा। और फिर बाबा से खुद ही, गया प्रसाद जी से खुद ही वो पूछने लगा, वो गंगा जी का प्रेमी यात्री जो था, उसने पूछा, बाबा बाबा आप बताओ गंगा जल कहाँ चढ़ा दूँ, चलो उठो ना मेरे साथ श्री गंगा जल चढ़वा दो। उसकी बात सुन करके वहाँ उपस्थित सब लोग बड़े आश्चर्य में देखते रहे बाबा को कि बाबा तो यहाँ बैठे हैं, गंगा जी को कहाँ मिल गए इसको। और जो जानते थे महाराज जी की शक्ति को, भक्ति को, वे लोग तो भाव सिंधु में जैसे डूबे हुए थे, आंखों में प्रेमाश्रु थी लोगों को कि बाबा ने इसको गंगा जी पर दर्शन दिया। और एकदम आश्चर्य से लोग देखने लगे, क्या लीला है, आश्चर्य में पड़ गए लोग कि महाराज जी तो यहाँ हैं और इस गंगा भक्त को गंगा जी पर दर्शन दिया, भंडारा करवाया, दक्षिणा दी, और कांवर का जल अपना मंदिर बताकर कहा था वहाँ चढ़ेगी लेकर आना। तो लोग तो चकित हो रहे थे और महाराज जी के इशारे से फिर मानस जी महाराज ने उसके गंगा जली से श्री गया प्रसाद जी का कर स्पर्श करवाया। महाराज जी के कर कमल में गंगा जली का स्पर्श करवा के फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में गंगा जल चढ़वा दिया। और इस व्यक्ति की सहज भोली सूरत को देखकर उस पर किसी प्रकार की आशंका नहीं की जा सकती थी भक्तों, क्योंकि इतना सीधा सज्जन व्यक्ति था वो, उसको देख करके कोई भी शंका नहीं कर सकता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है क्या। ऐसी कोई चतुराई वाली बुद्धि उसकी नहीं दिखलाई पड़ रही थी कि उस घटना को कोई झूठी बता दे। और उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहली बार भक्तों ने देखा था, पहले कभी आया नहीं था, पूछ पूछ कर पहुंचा था। और महाराज जी का दर्शन कहाँ से उसको मिल गया, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। ये घटना संवत 2051 की है। अब आप समझिए कि महाराज जी का शरीर छूटने वाला था तब, तो उसके थोड़ा ही पहले की बात है। उसमें महाराज जी का शरीर चलने फिरने लायक नहीं था। उस समय की बात है कि महाराज जी उसको गंगा जी किनारे मिले और ये इस प्रकार से लीलाएं हुई थी। भक्तों, सिद्ध पुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। जीव भगवान की भगवत्ता पर, संतों के संतत्व पर विश्वास अपना बनाए रखे, श्रद्धा बिगाड़े नहीं, डिगे नहीं, इसलिए भगवान इस लीला करते हैं। और भगवान तो गुरु के रूप में बहुत बार आते हैं भक्तों के पास, वो तो गुरु थे ही महाराज, तो उनका रूप धारण करके हो सकता है ठाकुर जी ही पहुंच गए हो। और श्रद्धा बढ़ा देते हैं भक्तों की इस प्रकार से, इससे भक्त तो अपने भक्ति के पथ पर चलता जाए आगे। जीवन भर सामान्य मानव की भांति क्रिया करते हैं महापुरुष, मानव के आकृति में अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके रखते हैं, जिससे उनको कोई पहचान नहीं पाता। महाराज, जिन लोगों को अनुभव होता है वो कहते हैं कि ये संत भगवान के स्वरूप होते हैं। और कब क्या लीला करवाते हैं ठाकुर जी या करते हैं ये नहीं पता चलता है। अब जिनकी बात मैं सुना रहा था, गया प्रसाद जी की बात, अब इनकी लीला संवरण का समय बिल्कुल निकट था। कई कई प्रकार की झलकियां इन्होंने दिखलाई, भक्तों के विश्वास को दृढ़ किया। उसके बाद अंतर्धान हुए हैं, अर्थात शरीर त्याग कर गए हैं महाराज जी भगवत धाम। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऐसे महापुरुषों का भगवत धाम जाना, देह का त्याग करना, ये साधारण बात नहीं होती। ऐसे महापुरुष देह त्याग करने के बाद भगवत धाम चले जाते हैं तब भी
अपनी उपस्थिति श्रद्धावान भक्तों को दिखाया करते हैं, दर्शन देते हैं भक्तों को, उनके ऊपर कृपा करते हैं, विविध प्रकार की लीलाएं उनकी देखने को मिलती हैं भक्तों को। और महाराज श्री गया प्रसाद जी का जीवन तो इतना त्याग तपस्यामय भक्तिमय था कि इन्होंने जो मंदिर सहज ही इनको प्राप्त हुआ था, उस मंदिर को भी पहले ही अपने शिष्यों को बता दिया कि मैं जीवित अवस्था तक के लिए प्राप्त किया था, आगे ये मंदिर शिष्यों के लिए नहीं रहेगा, इसलिए तुम लोग मेरा शरीर छूटते ही मंदिर खाली कर देना और आखिरी यात्रा के बाद लौट करके फिर मंदिर में कोई नहीं आना, मंदिर की कोई वस्तु तुम लोगों की नहीं होगी, वो जगह मंदिर की है, वो जगह मेरी नहीं है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, अब ये मेरे शरीर रहने तक के लिए ही मेरी जगह है। इतना वैराग्य था भक्तों, छोटी मोटी चीज़ भी अपने लिए नहीं रखा उन्होंने। और इन महापुरुष ने किस प्रकार से अपने लीला संवरण किया था, कैसे कैसे भक्तों के भाव भरी एक अद्भुत इनकी यात्रा हुई थी, वो सब विवरण मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके इनकी कथा को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।